फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके जो फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसका पार्ट टू लेकर आए हैं। स्टोरी आपकी जो पिछले भाग में पार्ट वन में आधी रह गई थी, उसको इस पार्ट में हम पूरी करेंगे। खुशवंत सिंह ने इसको लिखा है और अपने खुशवंत सिंह ने जो राइटर हैं वही नरेटर हैं और उन्होंने ही अपनी दादी का चित्रण इस स्टोरी में किया है। सो लेट्स स्टार्ट। When I went up to the university, I was given a room of my own. लेखक कहते हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे अलग कमरा मिल गया। The common link of friendship was snapped. मेरी दादी और मेरे बीच में जो एक कॉमन लिंक थी, एक सांझी कड़ी थी, वो स्नैप्ड, अब टूट गई थी। My grandmother accepted her seclusion विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी ने अपने एकांतवास को शांत भाव से स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्प्रिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो कभी कभी ही बात करने के लिए अपने चरखे को छोड़ती थी, चरखे को नहीं छोड़ती थी। वो स्प्रिंग व्हील यानी चरखा रहता है जिस पर सूत काटते हैं, महात्मा गांधी के साथ फोटो में आपने देखा होगा, तो ये उस जमाने की बात है। तो महात्मा गांधी की फॉलोअर दादी लगती हैं इसमें, स्टोरी में ऐसा लगता है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्प्रिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखे पर वो बैठी अपने भजन गाती रहती थी, रिसाइटिंग प्रेयर्स, भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल आफ्टरनून में ही वो थोड़ा सा आराम करने के लिए चिड़ियों को, स्पैरोज को दाना डालने के लिए वो जाती थी और तभी वो चरखे से उतरती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज व्हाइल सी सैट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। जब वो बरामदे में बैठ कर के रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़े, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरूपिंग्स। तो सैकड़ों छोटी छोटी पक्षी, छोटी छोटी चिड़ियाएँ उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी और एक क्रिएट कर देती थी वेरिटेबल, यानी कि एक वास्तविक बेडलम, यानी कि ज़्यादा शोर शराबे से ऐसा लगता नहीं पागलखाना बन गया हो, वो तो बेडलम पागलखाना जैसा। बच्चे भी खूब जोर जोर से जब चिल्लाने लगे तो अपना हम चिल्लाने लगते हैं उन पर, क्या पागलखाना मचा रखा है। तो वो जो चिड़ियाएँ होती थी वो इतना चहचहाती थी, उनके चारों तरफ बैठी रहती थी कि वो एक वास्तविक चिरूपिंग यानी जो चहचहाना उनकी चूचा जो होती थी उसके कारण से वो पागलखाना जैसा वो माहौल बन जाता था। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षी आते थे और उनकी टांगों पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधे पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड देम अवे, परंतु कभी उनको शू करके भगाती नहीं थी। शूड माने शूड देम अवे यानी दूर भगाना, उनको वो दूर नहीं भगाती थी, उनको अच्छा लगता था पक्षी जहाँ बैठा है बैठा रहे। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके लिए सबसे खुशी का हाफ आवर, आधा घंटा पूरे दिन भर में होता था जब वो खुश होती थी, हैप्पीएस्ट, सबसे ज़्यादा खुश रहती थी। When I decided, so in this paragraph, she the narrator went up to university. He was given a room of his own. The common link of their friendship was broken. The grandmother accepted her loneliness quietly. She busied herself with her spinning wheel. She talked rarely. She relaxed only in the afternoon.
शी एंजॉयड हरसेल्फ वाइल फीडिंग द स्पैरोज शी वुड सिट इन द वरांडा शी ब्रोक द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स एंड थ्रू दैम टू द स्पैरोज हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज कलेक्टेड अराउंड हर दे क्रिएटेड अ हेल ऑफ नॉइज सम केम एंड सेट ऑन हर लेग्स द अदर्स पर्च्ड ऑन हर शोल्डर्स शी नेवर ड्रोव दैम अवे फीडिंग द स्पैरोज वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया I was sure my grandmother would be upset. तो मुझे विश्वास था कि दादी माँ बेचैन हो जाएगी I would be away for 5 years. मैं 5 साल के लिए जाने वाला था And at her age, one could never tell. और उनकी उम्र के हिसाब से तो कोई कह नहीं सकता था मतलब ये नहीं पता था कि 5 साल बाद वो जिंदा मिलेंगी नहीं मिलेंगी बट माई ग्रैंड मदर कुड परंतु मेरी दादी माँ को विश्वास था कि वो जिंदा रहेगी शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल वो ज़्यादा भावुक नहीं हुई थी शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन वो मुझे स्टेशन रेलवे स्टेशन छोड़ने आई बट डिड नॉट टॉक परंतु कोई बात नहीं की और शो एनी इमोशन या फिर कोई उनके चेहरे पर इमोशन भावना उन्होंने प्रकट नहीं की हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर उनके होठ अभी भी प्रार्थना में हिल रहे थे हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर उनका मन दिमाग भी प्रेयर में मग्न था प्रार्थना में हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी उनकी उंगलियां उनकी माला फेरने में लगी हुई थीं साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड अचानक से मतलब शांति से उन्होंने चुपचाप मेरा माथा चूमा एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस और जब मैं चला गया तो मैंने वो जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था गीली छाप चुंबन की उसको अपने फिजिकल कॉन्टैक्ट शारीरिक जो संपर्क हुआ था उसको महसूस किया और वो मेरे लिए लास्ट हो सकता था अंतिम मूल्यवान निशानी मान करके उसे मैंने मन में संभाल के रखा आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट लास्ट साइन हो सकता था उसको ऐसा लगता था बट दैट वाज नॉट सो परंतु ऐसा नहीं था आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन 5 साल बाद मैं वापस लौटा वह मुझे स्टेशन पर लेने आई शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स अभी भी शब्दों के लिए मतलब कुछ कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स उन्होंने बस मुझे क्लैस्प्ड बाहों में भर लिया और मैंने उनके प्रार्थना गाने की आवाज़ को मैं अभी भी सुन रहा था इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स और उस दिन जो पहला मेरा आने का दिन था वो उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स था उन चिड़ियाओं के साथ में स्पैरोज के साथ में जिनको कि वे काफ़ी समय से खिला रही थी और उस दिन वो काफ़ी देर तक खिलाती रहीं उनको और हंसी से उनको डांटती रहीं फटकारती रहीं उनको चिड़ियाओं को फ्रिवोलस यानी होता है मतलब हल्की फुल्की और रिब्यूक माने डांट फटकार झिड़कना झिड़कना तो चिड़ियाओं को झिड़क रही थी यानी बड़ा ही अच्छा दृश्य होगा उस दिन इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर शाम को एक चेंज उनके अंदर आया शी डिड नॉट प्रे उन्होंने प्रे प्रार्थना नहीं की शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग और एक पुरानी सी ढोलक अपने आप बोलते हैं उसको उससे गाने शुरू हो गए फॉर सेवरल आवर्स She thumped the sagging skins of the dilapidated drum.
और कई घंटों तक वो अपनी उस ढीली ढाली त्वचा जो बुरी लोगों की होती है, सैगिंग स्किन, उससे वो उस डिलेपिडेटेड यानी पुराने जो टूटा फूटा ढोलक थी उसको वो पीटती रहीं, एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो युद्ध से जो वीर लोग लौट के आते हैं वॉरियर्स, उनकी वापसी में जो गीत गाए जाते थे वो गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उनको रोका कि वो ओवर स्ट्रेनिंग ना करें, ज़्यादा तनाव न लें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि उन्होंने प्रेयर अपनी प्रार्थना करना वो भूल गई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये एक हल्का सा बुखार था, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने कहा कि उतर जाएगा बुखार, इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी माँ कुछ अलग भिन्न सोचती थी। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अब अंत समीप है। सी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ऑमिटेड टू प्रे, वो बोली कि उनके जीवन के इस अंतिम समय में कि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना करना वो भूल गई थी, ऑमिटेड टू प्रे, प्रार्थना करना भूल गई थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो हमसे और बात करने में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहती थी। सो क्या देखा हमने अभी तक, द नरेटर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, द ग्रैंड मदर वॉज नॉट अपसेट, सी केम टू ड्रॉप हिम एट द रेलवे स्टेशन, सी डिडेंट शो एनी इमोशन, सी किस्ड हिज फोरहेड साइलेंटली, द नरेटर थॉट दैट इट वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। The narrator returned home after 5 years. The grandmother did not look a day older. In the evening, a change came over her. She didn't pray. She collected all the women of the neighborhood. She took an old drum and started singing. She continued thumping the old drum for several hours. She sang of the homecoming of warriors. They had to persuade her to stop. Singing and beating of the drum could make her tired. For the first time, she did not pray. We protested. हमने उनसे आग्रह किया, विरोध प्रकट किया अपना उनके सामने, दादी माँ के सामने, but she ignored our protest. परंतु उन्होंने हमारे विरोध की तरफ ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो बिस्तर पर, शांत बिस्तर पर प्रार्थना कर रही थी लेटी लेटी और अपनी माला फेर रही थी, टेलिंग हर बीट्स। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, इससे पहले कि हम संदेह भी कर सकते उनके होठ हिलना बंद हो गए। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और माला उनके उन निर्जीव उंगलियों से गिर पड़ी, लाइफलेस फिंगर्स, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, और हम अब जान गए थे, समझ गए थे कि अब वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, रिवाज के अनुसार, एज इज कस्टमरी, रिवाज के अनुसार हमने उसे बिस्तर से उठाकर फर्श पर लिटा दिया। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड लेड हर ऑन ग्राउंड, उनको नीचे जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और लाल कफन का कपड़ा उनके ऊपर लपेट दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स
ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटे मातम रोना धोना जो होता है, मातम मनाने के पश्चात हम दादी को छोड़ करके अस्थि का प्रबंध करने चले गए, फ्यूनरल जो अस्थि अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल उनके दाह संस्कार के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमिटेड। शाम को हम उनके फ्यूनरल दाह संस्कार के लिए अस्थि लेकर के जो कड़ा स्ट्रेचर होता है लकड़ियों का, इस पर लेटाते हैं मृत व्यक्ति को, वो अस्थि लेकर के उनके कमरे में हम गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था, अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, परंतु उनके कमरे में अभी प्रकाश हो रहा था, एंड बरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उनके कमरे और उस बरामदे में जहाँ चिड़ियाँ आती थीं उसमें सुनहरी रोशनी अभी भी थी, शाम की चमक फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन के बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। सारे बरामदे में और उनके कमरे में जहाँ वो कफन में लिपटी हुई स्टिफ्ड कठोर हुई पड़ी थी, स्टिफ्ड रैप्ड इन रेड श्राउड, लाल कफन में लिपटी हुई कठोर पड़ी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाएँ बिखरी बैठी थी। देयर वाज नो चिरूपिंग, कोई चींची नहीं कर रही थी, आवाज़ नहीं कर रही थी पक्षी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने उन पक्षियों के लिए दया आ गई हमें। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ ने उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े डाले। सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने रोटी के टुकड़ों को टुकड़े टुकड़े किए, इन टू लिटिल क्रम्स, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ क्या करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्होंने पक्षियों के लिए वो डाला रोटी के टुकड़े माँ ने। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, परंतु चिड़ियाओं ने रोटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, नो नोटिस। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी दादी के मृत शरीर को लेकर चले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे सब चिड़ियाएँ चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, अगले दिन सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिए। तो आप समझ सकते हैं कि पक्षी भी किस तरीके से व्यक्तियों के, आदमियों के संपर्क में आकर के प्यार का महसूस करते हैं। तो इन पैराग्राफ में हमने क्या देखा, द नरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 years, द नेक्स्ट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिम, द नेक्स्ट मॉर्निंग द ग्रैंड मदर फेल इल, सी डिक्लेयर दैट हर एंड वॉज नियर, सी डिडेंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू दैम, सी ले पीसफुली इन बैड, सी कंटिन्यूड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बर्ड्स, देन हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, शी वॉज डैड, सी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, हर डेड बॉडी वॉज कवर्ड विद अ रेड श्राउड, इट वॉज इवनिंग, द सन वॉज सेटिंग, दे brought a wooden stretcher, they stopped halfway in the courtyard, thousands of sparrows sat near her dead body, they did not chirruping, everyone felt sorry for the birds, the narrator's mother brought bread and broke it into little crumbs, she threw those crumbs to them, the birds took no notice of them, when they carried her dead body outside, the sparrows flew away quietly। तो आपको ये समझ में आ गई होगी स्टोरी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे आपको इस तरह के आपके न्यू सिलेबस के सारे वीडियो मिलेंगे, जल्दी से आप MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना सरल है, अब तक आप सीख गए होंगे, इतने सारे वीडियो आपने देखे हैं, नहीं किया है तो जल्दी से करें। ये सब्सक्राइब है, केवल टच करना है इसको, 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन रहेगा उसको आपको क्लिक करना है, राइट करना है, उससे आपको सारे वीडियो आगे के फ्यूचर के मिलेंगे।
लाइक करने के लिए आप ये थंब इम्प्रेशन दबाएं और शेयर दोस्तों को करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उम्मीद करता हूँ कि एमपी इंग्लिश क्लासेस के सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आगे भी हम इस तरह के नए वीडियो लाएंगे। आपका जो भी सिलेबस चेंज हुआ है उस सारे सिलेबस के लेसन्स क्वेश्चन आंसर्स आपको सबसे पहले एमपी इंग्लिश आपको ला के देगा। पर इससे पहले आप जल्दी से एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।